Yo, what's up guys? Welcome back to another game video. तो आज के वीडियो में हम खेलने के लिए जा रहे हैं Evil Land Broken Mask. बहुत दिनों से मेरा मन था इस गेम को खेलने का, तो गाइस आज के वीडियो में हम खेलने के लिए जा रहे हैं Evil Land. तो भाई लेट्स गो, चलते हैं गेम के लिए वीडियो में. एंड आपको पता ही होगा कि Evil Land कितना खतरनाक होने वाली है इस गेम में. वैसे आज के वीडियो में हम करने वाले मेन रोड एस्केप, जो कि बहुत ही हार्ड होने वाला है, बट यार बहुत ही मजेदार भी होने वाला है. वैसे मैं बता दूं कि इस वीडियो को डालते ही मेरे चैनल पे हो जाएंगे 100 वीडियो, वो भी आपके सपोर्ट की वजह से. तो थैंक यू यार. एंड भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दबा दो सब्सक्राइब के बटन को. तो लेट्स गो, चलते हैं वीडियो में. वेलकम हो चुका है सभी लोगों का एक और न्यू बेहतरीन वीडियो में. गेम की स्टार्टिंग एक चलती हुई बारिश हो रही है, जो कि पता नहीं कहां पे जा रही है इस बारिश वाली मौसम में. मौसम तो तगड़ा हो रहा है भाई, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है भाई, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो मौसम तो बहुत ही तगड़ा होने वाला है. एंड ये जो गाड़ी है पता नहीं कहाँ पे जा रही है, ठीक है, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है. बट सामने नन थी क्या ये जो गाड़ी चलाने रही, आई थिंक ये नन है, मतलब वो जो लॉटरी क्या नाम है यार, क्या बोलूँ मैं उसको, लॉन्ड्री वाली पता नहीं क्या नाम है, बट हाँ वो नन है. एंड ये कहीं तो लेके आ चुके हैं मेरे को. आई थिंक ऐसे ये जो बंदा है ना, ये मैं हूँ, ये जो बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ये आई थिंक मेरे को कॉलेज या स्कूल लेके आ चुकी है या यूनिवर्सिटी है. इतना बड़ा जो है ना भाई ये, मैं इतनी प्यारी सी यूनिवर्सिटी देख ही रहा हूँ तो कि, बट ये जो बंदी है पता नहीं ये बंदा है, ठीक है, इसने मेरे पे गाड़ी चढ़ा दिया. बट एक सेकेंड, सामने कोई तो है ब्लू कलर का बंदा. हेलो भाई कैसा है, अरे डर कैसे रहा है. बट नहीं यार, डरने की बात ही है क्योंकि मेरे पीछे यहाँ पे नन आ गई. मेरे को इस गेम के बारे में थोड़ा बहुत पता चल चुका है, एक बंदी है जिसका नाम पता नहीं क्या है, बट वो मेरे को स्कूल या कॉलेज लेके आ चुकी है. एंड भाई यहाँ पे एक नन है जो कि भाई बहुत ही तगड़ी है, बट ये क्या है. ओके तो मेरे को यहाँ पे कुछ तो मिला है, इसको मेरे को पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ते इसको. मेरे को इस गेम के बारे में अभी तक इतना ही पता चला, इससे ज्यादा मेरे से उम्मीद मत करना, मतलब बाद में बताऊंगा, ठीक है, इसकी कहानी में. जैसा कि इसमें लिखा है कि तुम फर्स्ट नहीं हो, इससे भी पहले मतलब बहुत ही सारे बच्चे को नन उठा के यहाँ पे लाई है, बट वो यहाँ से भाग चुके हैं या भाग चुकी है, ठीक है, बट उन्हें सब कुछ पता है कि कैसे निकला जाए. तो वो कह रही है कि तुम मेरा एडवाइस लो, ठीक है, और तुम यहाँ से एस्केप कर सकते हो. और एडवाइस ये देखो यहाँ पे लिखा पड़ा है, इसको भी मेरे को पढ़ना पड़ेगा, बताता हूँ पढ़ के, ठीक है, ये क्या है इसमें. पहले में जैसा कि तुम देख रहे हो इसमें लिखा है क्रॉस द ब्रिज. जैसा कि मेरे को लग रहा है कि एक ब्रिज है, उसको मेरे को पार करना पड़ेगा. एंड भाई हम दूसरी साइड पहुंच जाएंगे, बट उसको पार करने के लिए एक वहाँ पे डोर लगा पड़ा है, उसको ओपन करने के लिए मेरे को 3 फ्यूज चाहिए. एंड वो हमें मिलेगा, पहला फ्यूज मिलेगा डाइनिंग रूम में, दूसरा मिलेगा किचन में, एंड तीसरा मिलेगा नन रूम में, जो कि भाई बहुत ही हार्ड होने वाला है. नन रूम मेरे को पता भी नहीं है कहाँ पे है, बट लेट्स गो, चलते हैं. अभी तक मेरे को नन तो दिखी नहीं, एंड वैसे चलते हैं गाइस, ठीक है, तो आगे चलते हैं. एंड आई ओ भाई साहब, मैं घूमते घूमते नन के रूम में आ चुका हूँ. आई थिंक ये नन का रूम है ना. नहीं भाई ये नन का रूम नहीं है, पता नहीं क्या, बट गाइस मैंने यहाँ पे साउंड कर दिया है. मेरे को पता नहीं था कि वो फेंकते वो पुतला वो जो टूट जाएगा, एंड वहाँ पे साउंड हो चुका है, तो आई थिंक नन इधर आती होगी. तो थोड़ा देर वेट करते हैं. एंड भाई साहब यहाँ पे नन आ चुके, मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा. तो यहाँ से निकलते हैं. भाई कितना साउंड करती है भाई, ये बहुत ही खतरनाक है. ये जो गेम है ना भाई, इतना रियलिस्टिक है, बट हाँ कोई नहीं है, ठीक है, हम यहाँ से निकलते हैं. ओ भाई साहब हमें यहाँ पहला फ्यूज़ मिल चुका है, आई थिंक यही रूम है वो नन का रूम, ठीक है, तो हमें पहला फ्यूज़ मिल चुका है, निकलते हैं यहाँ से. एंड इसका यूज़ देखना पड़ेगा मेरे को कहाँ पे करना है. एक फ्यूज़ बॉक्स है वहाँ पे, मेरे को इसका यूज़ करना पड़ेगा. बट ओके तो हम यहाँ पे आराम से छुप सकते हैं. लेट्स गो, मैं इधर उधर घूम ही रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता मिल जाता है, तो चलते ऊपर को. एंड यहाँ पे सामने कोई जाने का रास्ता है, ओके, तो इधर मैं कहीं तो आ चुका हूँ. एंड यहाँ पे तो नन आ नहीं सकती, मतलब आ सकती है बट अभी वो नीचे थी, ठीक है, तो ये नहीं बोला कि मतलब आ नहीं सकती, वो आ सकती है आराम से, ठीक है. मैं यहाँ पे कहीं तो आ चुका हूँ, बट मेरे को यहाँ पे नन ने देख लिया पता नहीं कहाँ से. भाई मेरे पीछे वो लगी पड़ी है, यहाँ पे साउंड बहुत ही खतरनाक आ रहा है, तो मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा. बट मेरे पीछे अभी नन नहीं है, ओके, बट यार साउंड तो आ रहे थे. मैं यहाँ पे कहीं तो आ चुका हूँ. एंड ओ भाई साहब मेरे को यहाँ पे मिल चुका है फ्यूज बॉक्स. लेट्स गो गाइस, हो चुका है हमारा काम, बट यहाँ पे नन ना आ जाए. नन, हेलो भाई, नन नहीं आ रही, ये सही बात है, यहाँ पे नन नहीं आ रही, ठीक है, तो भाई ओके ओके यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो आराम से हम अपना यहाँ पे काम कर सकते हैं. लेट्स गो, तुम्हारे भाई ने यहाँ पे पहला फ्यूज लगा दिया. एंड दो फ्यूज और मेरे को चाहिए, जो कि एक डाइनिंग रूम एंड एक किचन रूम में मिलेगा, जो कि पता नहीं कहाँ पे है, ठीक है, बट हाँ ढूंढेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से खेलेंगे, मरना नहीं है, आराम से एस्केप कर सकते हैं अपन, ठीक है. भाई मैं इधर उधर कब से घूम रहा हूँ, बट मेरे को यहाँ पे एक भी फ्यूज मिला नहीं, मतलब एक फ्यूज मिला था बट यहाँ पे मेरे को दूसरा फ्यूज मिल चुका है. ओके, आई थिंक ये डाइनिंग रूम है, नहीं हाँ ये डाइनिंग रूम है, ये किचन रूम नहीं हो सकता, ठीक है, किचन रूम कहीं ना कहीं तो होगा, बट लग तो सेम ही रहे थे, बट हाँ कोई नहीं. लेट्स गो, चलते इसको भी लेके. एंड यहाँ पे इसका यूज करते हैं, यहाँ पे नन मेरे को नहीं देखी, ठीक है, यहाँ पे इसका यूज हमने कर दिया. एक और मेरे को फ्यूज चाहिए, जिसको ढूंढने के लिए थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा. ओके तो लेट्स गो, चलते हैं भाई, तीसरा फ्यूज ढूंढते हैं अपना. भाई तुम मेरे को कमेंट में बताना कि अगर हम कोई वेंट को खोलते हैं एंड वहाँ पर जो साउंड होता है, मतलब नन सुनती है क्या, मेरे को कमेंट में जरूर बताना. बट मैं घूमते घूमते किचन में आ चुका हूँ. ओके एंड सामने मेरे को फ्यूज मिल चुका है,
भाई कब से मैं मेहनत कर रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ, बट हाँ गाइस लेट्स गो। तुम्हारे भाई को यहाँ पे तीसरा फ्यूज मिल चुका है एंड यहाँ पे नन कहीं भी नहीं है, तो लेट्स गो आराम को चलते, मतलब आराम से चलते। क्या बोल रहा हूँ मैं, उल्टा सुलटा कुछ ही बोलता रहता हूँ, बट गाइस कोई नहीं, यहाँ पे इसका यूज करते हैं। हमारे यहाँ पे काम हो चुका है, इस लीवर को डाउन करते हैं, अप करते हैं, अब पहले से था डाउन करते हैं। लेट्स गो, तो मेरे को सामने वो डोर दिख रहा है एंड उसको मेरे को ओपन करना है, एंड यहाँ पे तो नन नहीं है, पहले इस डोर को ओपन करते हैं एंड भाई फिर इसको बंद भी कर दिया, क्योंकि इधर भी नन आ सकती है बट ये डोर बंद नहीं हो सकता। बट कोई नहीं गाइस, डर नहीं लगता हमें, एंड इसके बाद मेरे को करना क्या है मैं बता देता हूँ, बट उससे पहले मेरे को नन से बचना पड़ेगा क्योंकि उसने मेरे को देख लिया एंड वो इधर ही आ रही है, एंड इधर जाने का रास्ता भी नहीं है भाई, यहाँ पे ये डोर लॉक है। एंड वैसे मैं बता देता हूँ कि क्या करने आगे, ठीक है, एक मेन एंट्रेंस है एंड वहाँ पे जो साइड वाला रूम है ना, वहाँ पे मेरे को एक पेंटिंग मिलेगी एंड उस पेंटिंग का मेरे को एडवाइस लेना है। सुनने में तो ये इजी लग रहा है बट ये बहुत ही हार्ड होने वाला है, पहले तो मेरे को एक मेन एंट्रेंस ढूंढना है, उसके बगल वाला जो रूम है उससे मेरे को एक पेंटिंग ढूंढना है, ऐसे कुछ पेंटिंग होगा, ठीक है। तो लेट्स गो चलते हैं, देखते हैं वो मेन एंट्रेंस कहाँ पे हमें मिलेगा, बट इधर नन तो आ नहीं रही, पहले मैं डोर को बंद कर देता हूँ आराम से, ठीक है, आगे का काम करेंगे पहले इसको। मैंने डोर को बंद कर दिया है एंड मेरे को पेंटिंग ढूंढना है यार, वो पता नहीं कहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या रखा पड़ा है, ये रूम कुछ भूल भुलैया सा है, बट मैं यहाँ पे कहीं तो आ चुका हूँ। ओके तो लेट्स गो, बट उससे पहले मेरे को यहाँ पे क्रोबार चाहिए, नेल, ओके, तो मेरे को क्रोबार आई थिंक चाहिए इसको हटाने के लिए, तो देखते हैं कहाँ पे मैं क्रोबार मिलेगा, और उसके अंदर एक बॉक्स है उसको मेरे को उठाना पड़ेगा। बट यहाँ पे मेरे को मेन एंट्रेंस मिल चुका है, ओके, तो यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं, बट ऐसे थोड़ी एग्जिट कर सकते हैं, वहाँ पे एक लॉक लगा पड़ेगा, उसको मेरे को एक की चाहिए उसको ओपन करने के लिए, बट यहाँ पे मेरे को वो पेंटिंग मिल चुकी है एंड ये पेंटिंग सारा करिए ऊपर को, भाई तुम कोई अच्छा पेंटिंग नहीं दे सकते यार, ये पेंटिंग दे दिया तुमने, ठीक है, बट यहाँ पे ऊपर कुछ तो है, ओके, मेरे को एक लॉन्ग आइटम चाहिए इसको उतारने के लिए, इसमें कुछ तो है, ठीक है, पता नहीं लॉन्ग आइटम कहाँ पे मिलने वाला है, बट चलते हैं यहाँ पे ढूंढने के लिए, लॉन्ग आइटम कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। तो इस डोर को ओपन करते हैं, मैं फिर से वहीं पे आ चुका, बट इधर नहीं जाना मेरे को, ओके भाई, मैं यहाँ पे इसीलिए छुप गया हूँ क्योंकि यहाँ पे नन आ चुकी है एंड भाई फिर से मेरे को इससे बचना पड़ेगा यार, यहाँ पे कैसे आ गई तू, जब मैं ब्रिज के उस साइड था तो उस साइड थी एंड जब मैं इधर आ गया तो तू फिर से इधर आ गई, क्या यार तेरे को काम धंधा नहीं है क्या कोई, ओके तो ये जा चुकी है मेरी बात सुन के, तो आराम से चला जा, मत जाइयो, ठीक है, नहीं तो कुछ गन वन दे दो ना यार, ये अपडेट एक ऐसा लाओ ना, एक गन दे दो, ठीक है, शॉर्ट गन, इससे सिर पे गोली मारूंगा इसके मैं, बट यहाँ पे ये नन जा चुकी है, ओके तो पहले इसको जाने देते हैं आराम से, कोई शॉर्ट नहीं करते भाई, हमें यहाँ पे एस्केप करना है आराम से। तो मैं कहीं तो आ चुका हूँ एंड यहाँ पे छुपने वाला एक ड्रॉर है, बट मैंने छुप रहा अभी, ठीक है, मेरे को यार एस्केप करना है, मैं ऐसा छुपता रहूँगा तो मैं कभी ना एस्केप कर पाऊंगा, बट मेरे को लॉन्ग आइटम कहीं ना कहीं तो ढूंढना है, तो चलते ही ढूंढते, ठीक है, कहीं ना कहीं तो हमें मिल जाएगा। लेट्स गो, तुम्हारा भाई था पेंटिंग रूम में, मेरे को यहाँ मिल चुका है ब्रूम, भाई पेंटिंग रूम में ब्रूम कौन रखता है पहले ये बताओ, बट कोई नहीं, रखने दो भाई जिसने रखा है, बट हमें यहाँ पे लॉन्ग आइटम मिल चुका है, इसको लेके चलते हैं जहाँ पे इसका यूज है, तो यहाँ पे नन तो है नहीं, आराम से इसको लेके चलते हैं। लेट्स गो, मैं यहाँ पे ब्रूम लेके आ चुका हूँ, देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या मिलने वाला है, इतना सिनेमैटिक कैसे दिखा रहे हो तुम, नन आके मार भी डालेगी, ओके तो मेरे को यहाँ मिल चुका है क्रोबार, बट उससे पहले मेरे को यहाँ पे छुपना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे साउंड हो चुका है, तो नन इधर आती होगी, आराम से यहाँ पे छुपते हैं, ओके तो नन यहाँ पे आ चुके हैं, बट ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि इसने मेरे को देखा नहीं है, इसको पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पे छुपा हुआ, तो इसे पहले जाने देते हैं। भाई ये नन पिछली वाली नन से बिल्कुल अलग है, इसलिए गेम इतना फेमस भी है, क्योंकि यार ये जो गेम है ना भाई बहुत ही खतरनाक है, बट यहाँ पे आई थिंक नन जा चुकी है क्या, मेरे को दिखी तो नहीं डोर से जाती हुई, बट आई थिंक ओके जा रही है, जाने देते इसे आराम से। यहाँ पे वैसे एक पिंक रूम है जिसका की मेरे पास है नहीं एंड मेरे को की मिला भी नहीं, बट सामने देखो वो नन आगे को जा रही है, इसे पहले जाने देते हैं, ठीक है, एंड इस पिंक के रूम में पता नहीं क्या सीक्रेट होगा कुछ, ठीक है। मैं यहाँ पे आके दोबारा छुप गया था क्योंकि मेरे पीछे नन पड़ गई थी एंड यहाँ पे आगे को चलते हैं एंड देखते कि यहाँ पे नन आई थिंक जा चुकी है। अरे नहीं भाई, यहाँ पे नन है, आराम से यहाँ पे छुपते क्योंकि मेरे को नन ने देख लिया है। भाई मैं आ गया, भाई एक बार छोड़ दे यार, नहीं भाई ये नहीं छोड़ने वाली, भाई कितना जोर से मार के सर फाड़ दिया भाई, अब मैं जीने नहीं वाला, अरे क्या बरबर करते रहते हैं, चुप रहे। लेट्स गो, यहाँ हमारा डे 2 स्टार्ट हो चुका है, बट यहाँ पे नन फिर से दोबारा यहाँ पे आ गई यार, जहाँ पे मैं जाता हूँ वहाँ पे पता नहीं कैसे आ जाती है, फिर से जादू बढ़ा रही है यार, फिर से मेरे को मारेगी कहीं ना कहीं, ठीक है, तो आराम से चलते हैं। पता नहीं वहाँ पे किसका पूजा करती रहती है, इतना आग लगा रखा है भाई इसने, मेरा बस चल लेना, आग लगा दूंगा इसके घर में पूरा, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आराम से चलते हैं, अपना क्रोबार उठाएंगे एंड वो जो नेल था उसको निकालेंगे एंड उसके अंदर एक बॉक्स मिलेगा हमें एंड उस बॉक्स को मेरे को हाई प्लेस से फेंकना है, बट यहाँ पे एक डोर है जो कि अरे इससे आगे तो कुछ है ही नहीं। मैं यहाँ पे घूमते घूमते कोई तो कोयले के खान में आ चुका हूँ, पता नहीं यहाँ पे क्या है, ठीक है, कहीं तो मैं आ चुका हूँ एंड यहाँ से जाने का मेरे को अब रास्ता भी नहीं पता, मेरे को ढूंढना पड़ेगा दोबारा से। लेट्स गो, एंड यहाँ पे इस चिमनी के अंदर कुछ है क्या, ओके अरे अंधेरा है भाई यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो लेट्स गो गाइस चलते आगे को एंड यहाँ पे वो रास्ता मिल चुका है हमें, तो ऊपर को चलते हैं, यहाँ पे सामने मेरे को नन ना मिल जाए नहीं तो मैं फिर से मर जाऊंगा यार, क्या ही कर सकता हूँ नन को, भाई गन दे दो ना यार मेरे को, गन तो है ही ना इस गेम में, नहीं तो यार नन को मैं मार सकता हूँ, नन मेरे को मार सकती है बट मैं उसको नहीं मार सकता, ये गलत बात है। एंड मैंने पीछे एक बार चिमनी बोला, पता नहीं उसको चिमनी कहते कि नहीं, तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो, सच में मेरे को नहीं पता। एंड यहाँ पे ओ भाई साहब,
उसमें जो तीसरे वाले लाइन में लिखा था कि तुम मतलब ऊपर वाले प्लेस पे जा सकते हो एंड वहाँ पे तुम बॉक्स को फेंकोगे तो वो ओपन हो जाएगा, तो ये इसी की बात कर रहा था क्या? इससे ऊपर हम और भी जा सकते हैं, ओके तो लेट्स को ऊपर को चलते एक बार देखते हैं कि भाई हमें ये तो पता है कि बॉक्स कहाँ पे मिलने वाला है एंड उससे आगे क्या करना है वो भी देख लेते हैं। ओके तो हम कहीं तो आ चुके हैं एंड इससे आगे मेरे को और भी जाना है क्या? भाई ये जो यूनिवर्सिटी पता नहीं ये क्या है भाई, ये बहुत ही बड़ा है ठीक है। एंड ओ भाई साहब हमें यहाँ से फेंकना है उस बॉक्स को, लेट्स गो गाइस, हमें पता चल चुका है एंड उस बॉक्स को लेके आते हैं, यहाँ फेंकेंगे उसमें से हमें की मिलेगा एंड हम एस्केप करेंगे, लेट्स गो चलते हैं यहाँ पे आराम से। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, चलते हैं भाई अब कोई नहीं रोकने वाला, हमें पता चल चुका है आराम से, लेट्स गो चलते हैं। ओके तो मेरे को वो बॉक्स मिल चुका है एंड इसको लेके चलते हैं उसी हाई प्लेस पे एंड उसको वहां से फेंकेंगे एंड उसमें से हमें की मिलेगा एंड हम एस्केप कर जाएंगे, लेट्स गो चलते हैं। तीसरे लाइन में कुछ ऐसा ही लिखा है, दोबारा से मैं वहीं पे आ चुका हूं इस कुकी बॉक्स को लेके एंड यहां पे इसको फेंकते हैं एंड इसके बाद मेरे को बेसमेंट जाना पड़ेगा एंड हमारा यहां पे कुकी बॉक्स ओपन हो चुका है, लेट्स गो चलते हैं वहीं पे। भाई मेरे को वो रास्ता मिल गया जहां पे कुकी बॉक्स गिरा होगा, तो लेट्स गो चलते हैं नीचे का एंड यहां पे नन तो होगी नहीं क्योंकि यहां पे कुछ है ही नहीं करने को ठीक है। बट नहीं यार मेरे से पहले यहाँ पे नन, ओ भाई साहब यहाँ पे पहले से नन है भाई, मेरे को लगा था कि यहाँ पे नन नहीं आ सकती बट मैंने जो साउंड किया था उसी को सुन के नन आ चुकी है भाई, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक नन है यार। ओके तो गाइस यहाँ से नन जा चुकी है तो यही सही मौका है हमें नीचे जाने को एंड वो जो कुकीज बॉक्स है उसके अंदर हमें की मिलेगा, लेट्स गो यहाँ पे। अरे कहाँ पे चला गया? ओके ये गाइस हमें यहाँ पे की मिल चुका है मेन डोर की, लेट्स गो इसको लेके चलते हैं एंड यहाँ पे नन मेरे सामने मत आ जियो नहीं तो ये की फेंक के मारूंगा मुंह पे, तू कुछ नहीं कर पाएगी मेरा ठीक है। आराम से चलते हैं यहाँ पे, साउंड मेरे को सुनना पड़ेगा। हेलो यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेट्स गो चलते हैं। बट यहाँ पे मैं छुप छुप के जाना पड़ेगा, मेरे को सच में डर लग रहा है यार भाई, बीच में ना मार डाले मेरे को। तो आराम से चलते हैं यहाँ पे। ओके तो मैं ऑलमोस्ट पहुँच ही चुका हूँ एंड यहाँ पे सामने को चलते हैं, यहाँ पे नन तो है नहीं, लेट्स गो गाइस मैं यहाँ पे ऊपर आ चुका हूँ एंड मेरे को मेन डोर के पास जाना पड़ेगा जिसके पास मैं कैसे भी बच बचा के आ चुका हूँ। इस डोर को मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया बट यहाँ पे ये साइरन बज चुका है एंड यहाँ पे नन को पता चल चुका होगा गाइस, बट हमने यहाँ पे एस्केप कर लिया एंड यहाँ पे बाय बाय नन, तू बाहर में जा, तेरा ये जो स्कूल है तेरा ये जो कॉलेज है भाई तू इसके साथ रह, मैं ना आने वाला, एक ही बार आऊंगा वैन एस्केप करने के लिए। भाई सामने हमारा घर तो है नहीं बट हम पता नहीं कहाँ पे दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, पीछे फिर से ना धर ले आई बिल्ड। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल में जरूर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बाय।